Hey, my name is Saurabh Ravi Dutta and I am a student of ICE from acting batch number 95. August में मैंने अपना acting course complete किया था. Before that, I would like to say something about myself. I am a dentist by profession. Yes, I am a doctor by profession. Suddenly एक दिन मैंने अपने parents को बोला कि okay, now I want to follow my passion and that is acting. So yes, it was difficult to convince them, but eventually मैंने उनको समझा दिया. So now the part was कि मैं कौन से institute जाऊँ. मुझे ये तो पता था कि मुझे मुंबई आना है, लेकिन मुंबई में there are so many institutes. So मैं एक particular मैंने research किया है और so suddenly I got to know about this institute, that is the Institute of Creative Excellence by Balaji. So मैंने और एक चीज़ का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इस इंस्टीट्यूट का अलग इंडिया में अलग अलग जगह में आपका ऑडिशन सेंटर्स है. सो जहाँ पे मैंने अपनी डेंटिस्ट्री की थी, दैट वाज भुवनेश्वर, तो वहाँ पे आइस बालाजी का ऑडिशन सेंटर था. सो मैंने वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज बालाजी टेलीफिल्म्स इज अ प्रोडक्शन हाउस वी हैव ऑल लुक्ड अप टू एंड हम लोग उन्हीं का शोज देख के वी ऑल ग्रू अप. एवरीबडी नोज अबाउट बालाजी टेलीफिल्म्स ऑफ कोर्स. तो आई वेंट देयर एंड मैंने अपना ऑडिशन दिया एंड ऑडिशन वेंट वेल एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर आइस बालाजी एंड येस देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. ओके, तो आप अब मैं ये बताता हूँ कि इंस्टीट्यूट में मुझे कैसे फ़ायदा हुआ. तो इट्स लाइक मेरा कोर्स जब से स्टार्ट हुआ तब बेसिक स्टार्टिंग में हम लोग को ओपन अप एक्सरसाइजेस करवाया जाता था, क्योंकि हम लोग को आने से पहले मुझे लगता था कि आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड मुझे सब आता है ये वो, बट इट्स नथिंग लाइक दैट. क्योंकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी पता हो. जैसे यहाँ आने के बाद मुझे स्टेनिस्लेवस्की हो या ली स्ट्रासबर्ग हो, इन सब के बारे में बेसिक डिटेल्स पता चला कि एक्टिंग कहाँ से शुरुआत हुई थी. एंड ऑल्सो हम लोग की जितने भी फैकल्टीज है ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम NSD एंड FTII. सो लाइक उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. आई के नॉट, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये बेटर है या ये बेटर है. ऑल ऑफ देम आर लाइक दे आर आउटस्टैंडिंग, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी हेल्पफुल. हम लोग को बहुत मोटिवेट करते थे. हर एक टास्क जितना भी हम लोग को मिला या फिर देर आर 5-6 प्रोजेक्ट्स हम लोग को करना पड़ता है यहाँ पे. एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का फ़ायदा हुआ कि बीइंग अ नॉर्थ ईस्टर्न, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट असम, सो मेरी हिंदी बहुत खराब थी. यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली एट दिस एज आई हैव कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन र एंड ड़. That I'm really thankful to the faculties of ice बालाजी कि मुझे इतने मतलब अच्छी तरह से मुझे सिखाया गया. मेरी अभी जितना भी हिंदी में बोल सकता हूँ, I give full credits to the faculty of ice. Yes, and then at the same time हम लोग का placement sessions भी होता था. बहुत काफ़ी सारे 5-6 placement sessions होते थे. हर हफ्ते placement sessions होते थे. Celebrity sessions होते थे यहाँ पे. तो सेलिब्रिटी गेस्ट आके हम लोग को अपनी जर्नी बताते थे. दे ऑल्सो यूज टू मोटिवेट अस. प्लेसमेंट सेशंस में हम लोग को सब कुछ बताया जाता था, राइट फ्रॉम द डूज एंड डोंट्स, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड वी ऑल शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हम लोग को कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए. तो आई वुड थैंक प्लेसमेंट सेशंस कि उन लोगों ने हमें सही रास्ता दिखाया और हमें ये बताया गया कि कहाँ क्या करना है, किसको अप्रोच करना है, किसको नहीं. आफ्टर 1 month ऑफ पास आइस के बाद मुझे आइस के थ्रू ही काम मिला. द फर्स्ट शो आई डिड वाज गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा इन ZTV. आई डिड अ कैरेक्टर रोल देयर. उसके बाद अगेन कुछ दिनों बाद मुझे वापस उसी सीरियल में बुलाया गया था, अगेन फॉर द सेम रोल ऑफ कोर्स. देन रिसेंटली अभी 2 दिन पहले मैंने ZTV का ही एक दूसरा शो है हैवान, वहाँ पे मैंने शूट किया है. अगेन वो आइस बालाजी के थ्रू मुझे मिला है. सो यस, प्लेसमेंट के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ, आई थिंक मुंबई में दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट, आई थिंक पूरे इंडिया में दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट जो आपको प्लेसमेंट देते हैं. बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, बट दिस इज द ओनली थिंग कि आई चोज आइस ओवर एनी अदर इंस्टीट्यूट इज कि इन प्लेसमेंट के लोग, प्लेसमेंट के फैकल्टीज भी आप लोगों का साथ तब तक देंगे जब तक आप लोग सेटिस्फाइड हो. और लोग थक जाते हैं ये बोल के कि हमें अब तक काम नहीं मिल रहा है, बट ऑल आई वुड say is acting is all about how much you work on yourself. At the same time हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कि you know बहुत एक patience level होना चाहिए, क्योंकि there are so many people applying for that, but at the same time have faith in yourself and have faith कि हम लोग we will do it because like placements are always there for you, placement faculties are always there for you. At the same time कभी भी आपको आने का मतलब मन करे तो एनी टाइम यू कैन कम टू आइस एंड एवरीबडी विल बी सपोर्टिंग यू. आइस में और एक चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व किया है दैट मैं एक एक्टिंग बैच का स्टूडेंट था, लेकिन एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे सारे जितने मीडियम्स है, जितने कोर्सेज है, सब कुछ सिखाया जाता है इनिशियल डेज में। चाहे वो आपका डायरेक्शन के बारे में हो, सिनेमेटोग्राफी के बारे में हो, एडिटिंग के बारे में हो, आपका स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में हो। बिकॉज व्हाट आई फील इज कि एज एन एक्टर आपको सारी मीडियम्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एज अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ सिनेमेटोग्राफर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एज एन एक्टर। अगर मुझे ये पता नहीं होगा कि डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या सिनेमेटोग्राफी क्या चीज़ है बेसिकली, तो अगर मुझे वो पता नहीं होगा तो एज एन एक्टर आई वुडंट जस्टिफाई टू माई कैरेक्टर। सो आइस गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी, गेव अस ऑल दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग को सारे मीडियम्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है बिफोर वी स्टार्ट इन टू एक्टिंग। दैट इज द प्लस पॉइंट विच आई फेल्ट। ऑल्सो यहाँ पे आपका मेकअप सेशंस होता है, आपका डांसिंग होता है, चाहे वो इंडियन क्लासिकल हो या वेस्टर्न फॉर्म्स हो, अलग अलग फॉर्म्स की डांसिंग भी होती है। आपको मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है, आपको इनिशियल डेज में आपको योगा सिखाया जाता है ताकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन या माइंड वो सिंक करे। जितने भी स्क्रिप्ट हम लोग को मिलते हैं ऑन स्पॉट, क्योंकि शोज में काफ़ी ऑन स्पॉट स्क्रिप्ट मिलते हैं, तो उसको याद रखने का टेक्निक्स हो, आपका आई एक्सरसाइजेस हो, आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो, वॉइस क्लैरिटी के एक्सरसाइजेस हो, सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। सो या इट वाज क्वाइट फन एंड यस, अभी आगे मुझे और काम करना है, तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, फॉर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। थैंक यू।